વેલકમ બેક બ્રેક બાદ સ્વાગત છે આપનું નિર્માણ ન્યૂઝમાં. ત્યારે કર્ણાટકની વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામો માટે મતગણતરીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પોસ્ટલ બેલેટથી મતગણતરી પર શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ત્યારે જો વાત કરીએ તો શરૂઆતના જે રૂઝાન સામે આવી રહ્યા છે તેની જો વાત કરીએ તો પ્રાથમિક ધોરણે અત્યારે હાલ એવું લાગી રહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. ત્યારે મતગણતરીની પ્રક્રિયા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ચામુંડેશ્વરી અને બાદામી બેઠક પરથી મુખ્યપ્રધાન સિદ્ધારમૈયા અત્યારે હાલ પાછળ ચાલી રહ્યા છે. Votes have been cast and the real picture will emerge after 2 and we'll find out. I think it's going to be a very interesting countdown. We are winning a complete majority, be sure of that. Thank you. Well, that's their right to claim, but from ground reports we have heard we're doing extremely well. सर ये जो ट्रेंड्स आ रहे हैं अभी तक उसको किस तरह से आप देखते हैं? बीजेपी क्लेम कर रही है कि नहीं हम एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. पोस्टल वोट्स हैव बीन दिस वे सो आई डोंट थिंक वी आर वरीड अबाउट दैट काउंट. આપણી સાથે અત્યારે હાલ જોડાઈ ચૂક્યા છે મનસ્વીભાઈ થાપર કે જે રાજકીય વિશ્લેષક છે. તો મનસ્વીભાઈ સ્વાગત છે આપનું. તો જે પ્રકારે અત્યારે આંકડા જોવા મળી રહ્યા છે ટીવી સ્ક્રીન પર, જે આંકડા ચાલી રહ્યા છે, શરૂઆતી રૂઝાન સામે આવી રહ્યા છે અને પ્રાથમિક તબક્કે અત્યારે હાલ ભારતીય જનતા પાર્ટી કોંગ્રેસથી આગળ જોવા મળી રહી છે, તો સૌપ્રથમ આ આંકડા આપની દ્રષ્ટિએ કયા પ્રકારે આપ જોઈ રહ્યા છો આંકડાને અને શું લાગી રહ્યું છે આપને? શરૂઆતી રૂઝાન જો હૈ ઉસમે અગર હમ દેખે તો
कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और उसमें भी बीजेपी थोड़ा आगे दिख रहा है हम लोगों को, और ये जो रुझान है ये बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद दिख रहा है, क्योंकि अगर कर्नाटका वो जीत जाते हैं तो उनका जो साउथ का रूट है, जो अब तक हम लोगों ने देखा है कि कभी भी साउथ में बीजेपी स्ट्रांग नहीं हो पाई थी, वो एकदम स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ती है। तो ये कांटे की टक्कर में अगर कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बड़ी स्टेट अगर पूरे देश में 2018 में देखें तो एक कर्नाटका ही थी जिसके ऊपर वो बैट कर रहे थे, और अगर कर्नाटका वो हार जाएंगे तो उनका जो देश के कार्यकर्ताओं में जो बाकी सारे आने वाले चुनाव, क्योंकि ये इस साल बहुत सारे चुनाव होने वाले हैं, उसमें उनके लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके बड़े बड़े नेताओं का मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे उनकी जो छूट हो जाएगी वो एक चूक जाएगी, क्योंकि ये इलेक्शन कर्नाटका का कांग्रेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। जी तो मनस्वी जी, जिस प्रकार आपने कहा कि जी रीते आपे बात करी कि कर्नाटक विधानसभानी चूंटणी बन्ने पार्टीओ माटे महत्वपूर्ण छे, बन्ने पार्टीओ माटे जीतनी आशा माटे खूब ज महत्वपूर्ण कही शकाय। कांटानी टक्कर तो जोवा मळी रही छे, परंतु जेडीएसनी पण जो वात करीए तो मात्र भारतीय जनता पार्टी अने कांग्रेस वच्चे कांटानी टक्कर ना कही शकाय। जेडीएस पण एक महत्वनी पार्टी छे, कर्नाटक ज्यारे वात थती होय कर्नाटकनी त्यारे जेडीएस पण एक महत्वपूर्ण पासु छे। त्यारे 113 जे फिगर છે, મેજિક ફિગર કહી શકાય 113 ને, બહુમત માટે 113 સીટો જે મળવી જોઈએ તેનાથી ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે હાલ આગળ હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે, તો આપને શું લાગી રહ્યું છે? કારણ કે અત્યારે પ્રાથમિક રુઝાન જે સામે આવી રહ્યા છે, શરૂઆતી રુઝાન, તેને જોતા અત્યારે કોઈ પણ પાર્ટી બહુમત મેળવી શકે તેવું લાગતું નથી, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટી બહુમતથી થોડી નજીક હોય કોંગ્રેસની દ્રષ્ટિએ, કોંગ્રેસની કમ્પેરિઝનમાં, તો તે અંગે શું કહેશો આપ? જિસકા ભી હાથ જેડીએસ પકડેગા वो जीतने वाला है, अभी के रुझान ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि ये एक हंग असेंबली की तरफ रुख जा रहा है कांटे की टक्कर होने के कारण। दोनों अगर हम कांग्रेस बीजेपी का देखें 79-80 के आसपास दोनों का रुझान जो अभी शुरुआती दिखा रहा है, और जेडीएस कुछ 25 के आसपास दिख रही है उसके ऊपर, तो उससे हमको जो समझ ये आता है कि जिसका भी हाथ जेडीएस पकड़ेगी वो सरकार बनाएगी। अभी आने वाले समय में 12-1 बजे तक हमको क्लियर होगा कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग आगे बढ़ रहा है, पर जेडीएस बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल फैक्टर है यहाँ पे। जेडीएस ने पहले 2 चीफ मिनिस्टर भी दिए हुए हैं कर्नाटका को, तो जेडीएस को एलिमिनेट नहीं कर सकते, जेडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। जेडीएस का जो अगर हम देखें बीजेपी का जो रुख है जेडीएस की तरफ से इलेक्शन के पहले से ही वो से प्रचार किया है, और भाजपा ने उतनी सरफरोशी से दुष्प्रचार किया है। कर्नाटक की जनता कांग्रेस पे ही मोर लगा के जिताएगी। आज कर्नाटक इस देश की जुमला शताब्दी पटरी पे नहीं चढ़ने देगा। મનસ્વી જી, હું તમને પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે જ્યારે માર્કેટ ખુલી રહ્યું છે ત્યારે સેન્સેક્સની જો વાત કરીએ તો સેન્સેક્સમાં પણ 34 પોઈન્ટનો ઉછાળો આવી ગયો છે, નિફ્ટીમાં પણ ઉછાળો આવી ગયો છે 25 પોઈન્ટનો, ત્યારે કર્ણાટકની ચૂંટણી માટે મતગણતરીની પ્રક્રિયા સવારના 8 વાગ્યાથી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, શરૂઆતી રુઝાન જે સામે આવી રહ્યા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે હાલ કોંગ્રેસથી આગળ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે તેની અસર સ્પષ્ટ રૂપે બજાર પર પણ દેખાઈ રહી છે, શું કહેશો આપ તે અંગે? नहीं, बाजार तो खुश है अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो, ये तो एक अच्छी बात है हमारे इंडस्ट्री के लिए। अगर बीजेपी को पसंद कर रहे हैं और लोग भी पसंद कर रहे हैं तो ये एक रुझान है, एक आत्मचिंतन की ज़रूरत है कांग्रेस को, जो करने की ज़रूरत है। वो जो है वो अगर ये वाला इलेक्शन भी कांग्रेस अगर हार जाते हैं तो उनका जो मेजर स्टेट था वो लूज़ करते जा रहे हैं। उनका जो मेजर ग्राउंड वर्क, ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क होना चाहिए, बूथ लेवल मैनेजमेंट होना चाहिए, कहीं ना कहीं वहाँ पे एक स्थिति दिखेगी जहाँ पे उनको आत्मचिंतन की ज़रूरत है, जो उन्होंने सही तरह नहीं किया इतने हर इलेक्शंस की, हर हार के बाद। तो ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस पे फिर से आता है इलेक्शन के बाद कि वो करने क्या चाहते हैं, क्या वो नेशनल पॉलिटिक्स सिनेरियो में कुछ करना चाहते हैं कि जस्ट अनदर पार्टी बन के रह जाएंगे। જી ચોક્કસ, તો જે પ્રકારે આપે વાત કહી કે અત્યારે હાલ ચોક્કસથી જે પરિણામ સામે આવી રહ્યા છે, શરૂઆતી રુઝાન સામે આવી રહ્યા છે, તેની ચોક્કસથી અસર શેરબજાર પર પણ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે પ્રી ઓપન સેશનમાં પણ મિશ્ર ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે માર્કેટમાં, ત્યારે મનસ્વીજી આપને પૂછવા માંગુ કે જે પ્રકારે અત્યારે હાલ આંકડાની રમત ચાલી રહી છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રાથમિક તબક્કે આગળ જોવા મળી રહી છે, ત્યારે આપને એવું લાગી રહ્યું છે કે શું બહુમતની સાથે સરકાર બનશે કે ગઠબંધનની સાથે, આપની દ્રષ્ટિએ શું કહેશો? શું अभी के रुझान के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि गठबंधन की सरकार ही बनेगी, पर जिस तरीके से ये आगे बढ़ रही है बीजेपी, कांटे की टक्कर होने के कारण इसका एक ये क्योंकि कोई कोई भी ऐसी पार्टी, दोनों पार्टीज में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो बहुत नीचे है,
जो वोट शेयर है लगभग इक्वल चल रहा है, सीट्स भी एकदम इक्वल आ रही हैं उनकी, तो जिस जो ये गठबंधन आना बहुत और उसके पीछे रीजनिंग भी है कि ये पहला राज्य है, मैं समझता हूँ कि रेयर होता है जब एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं थी यहाँ पर, सरकार विरोधी कोई हवा नहीं थी, ये पूरा कर्नाटका जानता है, सभी पार्टी वाले जानते हैं और पूरा देश जानता है। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि अभी तो शुरुआती रुझान है तो कहना बड़ा मुश्किल है, परंतु हमें उम्मीद है कि सरकार नहीं बनने कोई कारण नहीं है, सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। सर, जेडीएस की भी भूमिका बड़ी अहम मानी जा रही है इस बार, अगर ऐसी कोई गुंजाइश बनती है जब आपको किसी के साथ की जरूरत हो, उनकी विचारधारा को देखते हुए जेडीएस और कांग्रेस इस बार एक दूसरे से बात करके सरकार बनाने की पहल कर सकते हैं? पहली बात तो हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, और अन्यथा तो जो ऑप्शन खुले रहते हैं कि देश हित में क्या है, प्रदेश हित में क्या है, लड़ाई हमारी जो है होती है विचारधारा की, सिद्धांतों की, नीतियों की, उसमें जो हमारे नज़दीक होते हैं उन्हीं से ऑप्शन खुले रहते हैं। तो सर, यानी कि देवेगौड़ा साहब एंड कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो? मैंने कहा ऑप्शन तो खुले रहते ही हैं कि हमेशा कि जो जो हमारे करीबी लोग हैं विचारधारा के आधार पर, उनके साथ ही संभावना बनी रहती है, तो आगे देखते हैं कि स्थिति क्या बनती है। अभी 2-3 घंटे बाद में मैं समझता हूँ स्थिति स्पष्ट रही काफ़ी हद तक, अभी शुरुआती रुझान है इसलिए कुछ बात कहना ठीक नहीं है, पर स्पष्ट बहुमत की तरफ हम बढ़ेंगे, मुझे पूरा यकीन है। बस एक लास्ट सवाल सर, क्या दलित सीएम के लिए जेडीएस आपके साथ आए, सिद्धारमैया साहब के साथ वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो क्या एक दलित फेस मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या किसी और को कांग्रेस पार्टी दे सकती है? तमाम बातें डिपेंड करेगी, परिणाम आने के बाद में डिपेंड करेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कल कहा है, सिद्धारमैया जी ने, वो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि पार्टी इंटरेस्ट के अंदर कोई भी फैसला होगा दलित के लिए तो वो तैयार रहेंगे। ये विकल्प भी खुला है? नहीं, वो उन्होंने खुद ने कहा है। अब मैंने कहा सिचुएशन क्या बनती है उस पर डिपेंड करेगा आगे के फैसले। थैंक यू। તો મનસ વિશે જે પ્રકારે અશોક ગેહલોત નિવેદન આપ્યું, આપે પણ સાંભળ્યું કે જે પ્રકારે તેમના દ્વારા આશા જીવંત છે હજુ પણ, કે હજી તો શરૂઆતી રૂઝાન છે, ચિત્ર બપોર સુધી ક્લિયર થશે ને ત્યાં સુધી એવી આશા છે કે ચોક્કસથી તે બહુમત સાથે સરકાર બનાવશે, શું કહેશો? नहीं, 12-1 बजे तक तो कुछ भी कहना मुश्किल रहता है। एक बार अभी ये आजकल शुरुआती रुझान 9 बजे से 1 बजे तक हम लोग एक कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग हम 1 बजे के बाद ही ला पाएंगे कि कौन एग्जैक्टली जीत रहा है। अभी तो अभी और जिस तरीके से हम देख रहे हैं शुरुआती रुझान तो ये बता रहा है कि कांटे की टक्कर है, जिसके साथ जेडीएस जाएगा वही सरकार बना पाएगा, क्योंकि जेडीएस का इसमें रोल सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है। जेडीएस आने वाले समय में किसके साथ होने वाला है, तो इन दोनों पार्टीज़ में जो जेडीएस को कन्विंस कर पाए या जेडीएस की विचारधारा किसी भी पार्टी के साथ मिलती होगी वो सरकार बना जाएगा, जो अभी के रुझान बता रहे हैं। अब आने वाले समय में पता चलेगा कुछ ही घंटों में कि सरकार किसकी बन रही है और कैसे बन रही है। जी જી તો મનસ્વી જી, મુખ્યપ્રધાન સિદ્ધારમૈયાની જો વાત કરવામાં આવે તો સિદ્ધારમૈયાની જે બેઠકો છે બાદામી અને ચામુંડેશ્વરી, આ બંને બેઠક પર સિદ્ધારમૈયા પાછળ જોવા મળી રહ્યા છે અત્યારે, લગભગ 6000 જેટલા વોટનું અંતર છે અને 6000 જેટલા વોટથી સિદ્ધારમૈયા પાછળ ચાલી રહ્યા છે, આપ તે અંગે શું કહેશો? આ જે મત સામે આવી રહ્યા છે, ગણતરી મતગણતરીની પ્રક્રિયા જ્યારે શરૂ થઈ ચૂકી છે ત્યારે જે આંકડા સામે આવી રહ્યા છે તે અંગે, सिद्धारमैया की अगर उनकी अपनी सीटों से अगर वो हार रहे हैं तो एक एथिकल ग्राउंड पे भी अगर वो सरकार बना जाती है कांग्रेस तो उनका चीफ मिनिस्टर बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें सिद्धारमैया कर्नाटका में काफ़ी पॉपुलर लीडर रहे हैं, उन्होंने एक एज अ फेस आगे आके प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई चेहरा कर्नाटका में दिखाया तो उनका रहा है, तो वो एक पॉपुलर लीडर रहे हैं, पर उनकी अगर फिर भी वोट शेयर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी में एक बहुत बड़ा डैमेज होता है, जिससे उनका आने वाला जो पॉलिटिकल करियर है वो शायद डिक्लाइन हो जाएगा अगर ये इलेक्शन में वो हार जाते हैं। જી તો મનસ્વીજી, તમે એક રાજકીય વિશ્લેષક છો, ત્યારે રાજકીય વિશ્લેષકની દ્રષ્ટિએ આપને પૂછવા માંગુ કે ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે આ જીત કેટલી મહત્વની છે? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर इलेक्शन को ना बहुत सीरियसली लेती है, चाहे वो छोटे प्रदेशों के इलेक्शन हो चाहे बड़े प्रदेश जैसे
कर्नाटका हो या गुजरात हो, वहाँ पे उन्होंने ना हर अपना पूरा पूरी मेहनत मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, उनके नेशनल स्पोक्स पर्सन, उनके नेशनल प्रेसिडेंट्स, पूरे कार्यकर्ताओं का एक झुंड आके इलेक्शन की तैयारी करता है और उस जीत में लग जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं कांग्रेस जो उस मोमेंटम के साथ बूथ लेवल मैनेजमेंट के साथ ग्रास रूट लेवल कार्यकर्ताओं के साथ वो संपर्क, वहाँ पर अगर हम देखें पीछे 4-5 साल पर कांग्रेस वो नहीं कर पा रही, और बीजेपी हर लेवल की मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह इम्प्रोवाइज करती है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया मैनेजमेंट हो, चाहे वॉलंटियर मैनेजमेंट हो, एवरी डिस्ट्रीब्यूशन जो रहता है बीजेपी का बहुत बढ़िया रहता है। वही रीज़न है और उनके भाषणों में लोग उनको पसंद करते जा रहे हैं, वो हर इलेक्शन लगभग जीतते जा रहे हैं। पर उनका अगर हम देखें दूसरा जो एक रहता है कि जो स्टेट पे वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जब बाईपोल होता है वहाँ पे वो कहीं ना कहीं हार जाते हैं, तो उसका रीज़न क्या हो जाता है, तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हम ला सकते हैं कि उनका जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ता जाता है, इसी कारण वो डिलीवर नहीं कर पाते, वो नए इलेक्शंस में लग जाते हैं, डिलीवरी कहीं ना कहीं रुक जाती है। हमने वो यूपी में भी देखा, राजस्थान के भी बायपोल्स में देखा, तो कहीं ना कहीं वो वीक हो जाता है। जी जी चौकस थी, तो मनस्वी जी जी प्रकार समाचार प्राप्त है राष्ट्रीय के सिद्धार में या बादामी सीट पर थी आगर चाली रहा है, लिंबायत विस्तार में भारतीय जनता पार्टी आगर जो मिली रही है, एट के शुरुआती रुझान जो प्रकार सामने आ रहा है, बादामी बैठक पर सिद्धार में पहला पाछळ चाली रहा था, हवे आगर निकली ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક હજુ પણ ચિત્ર 12 વાગ્યા સુધી 1 વાગ્યા સુધી ક્લિયર થઈ શકશે, પરંતુ રામનગરની જો વાત કરીએ તો રામનગરથી જીડીએસ આગળ જોવા મળી રહ્યું છે, તો ચોક્કસથી એક વાત તો સ્પષ્ટ છે કે આ જે પરિણામો સામે આવશે તેમાં કિંગ મેકરની ભૂમિકા જીડીએસ ભજવશે, તો આપ તે અંગે શું કહેશો? बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है कि ये एक नेक टू नेक फाइट है बीजेपी कांग्रेस के बीच में, जिसमें बीजेपी थोड़ी एज लेती हुई दिख रही है, वो 4-5 सीटों से 10 सीटों से आगे हो सकती है, और वहीं पे जेडीएस 25 सीटों से ज़्यादा सीटों में आगे बढ़ रही है। तो अगर एक पूरी एक सरकार बनाने के लिए 113 सीटें चाहिए, वो तभी पूरी हो सकती हैं अगर जेडीएस किसी भी पार्टी का हाथ थामे। अभी जेडीएस चाहे कांग्रेस का या बीजेपी का हाथ थामे, किसी का भी थामेगी वो सरकार इजीली बना लेगा। पर अब सवाल ये उठता है कि जेडीएस किसका हाथ थामेगी, तो वो जो डील होगी बीजेपी या जेडीएस के बीच में या कांग्रेस या जेडीएस के बीच में, वो आने वाला समय बताएगा। अभी जो अगर हम देख रहे हैं रुझान और अभी जो हम देख रहे हैं कि सारी जगह का जो है नेक टू नेक एक हमको दिख रहा है, और दूसरा एक 2020 मैच की तरह दिख रहा है, ऊपर नीचे होता जा रहा है, कभी कोई आगे हो रहा है कभी कोई आगे हो रहा है, पर जहाँ पर भी हम देख रहे हैं जो लिमिटेड एज है वो बीजेपी के तरफ ज़्यादा है। बीजेपी का बहुत बड़ा ग्रोथ है, बीजेपी का वोट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जो बीजेपी पिछले इलेक्शन से अब इस इलेक्शन में उनकी सीटें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो बीजेपी के लिए अगर ये पूरी बहुमत से सरकार नहीं भी बनाती तो भी एक बड़ी जीत है, और कांग्रेस के लिए अगर वो सरकार बना भी लेती है तो भी कहीं ना कहीं उनका जो वोट शेयर है वो कम हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी सीटें भी बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, तो फिर भी कांग्रेस को सोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जी जी चौक्स, तो मनस्वी जी जो प्रकार आपे बात कही कि आ वक्त की जो चूंटनी है बने पार्टियों माटे महत्वनी है, कारण कि आ वक्त की चूंटनी परिणामों माटे भारतीय जनता पार्टी पर आशा राखी बैठू है जीतनी, तरह कांग्रेस पर चौक्स आशा जीवंत है तेमनी जीतनी, कि आ वक्त तेज कर्नाटक की चूंटनी कर्नाटक ने परिणामों थी सत्ता बनावशे और आ वक्त कर्नाटक में फरी एक वक्त सत्ता पर बिराजमान थशे। त्यारे मनस्वी जी हूँ आपने पूछवा मांगू कि 2019 लोकसभा ચૂંટણી પણ આવી રહી છે, 2019 લોકસભાની ચૂંટણી માટે કોંગ્રેસ તરફી જો વાત કરવામાં આવે તો કોંગ્રેસ માટે કેટલી મહત્વની છે કર્ણાટકની વિધાનસભાની ચૂંટણીના પરિણામો માટે જીત? દેખી કોંગ્રેસ કે લીએ 2019 की जो जनरल इलेक्शन है उससे पहले और भी बहुत सारे इलेक्शन आ रहे हैं, राजस्थान का इलेक्शन आने वाला है, मध्य प्रदेश का इलेक्शन आने वाला है, और अगर कर्नाटका कांग्रेस जीतती है तो जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो बढ़ने वाला है, जो एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश और राजस्थान में है वो उनको कहीं ना कहीं कैप्चर कर सकते हैं और उस पर मोमेंटम बना सकते हैं, और अगर कर्नाटका का जो उनका मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है, वो सरकार नहीं बना पाते, कांग्रेस के लिए सरकार बनाना ज़रूरी है, कितनी सीटों से सरकार बनाते हैं वो इररिलेवेंट हो जाता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, तो ये एक तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष का भी एक पहली जीत हो सकती है अध्यक्ष बनने के बाद, तो ये बहुत ज़रूरी है सारे लोगों का, पूरी कांग्रेस पार्टी का टीम का मनोबल किस तरीके से आगे बढ़ना है।
जी जी तो चौक्कस मनस्वी जे प्रकारे आपे वात कही के 2019 ની ચૂંટણી માટેની રાહ નક્કી કરશે વિધાનસભાની ચૂંટણી જો કોંગ્રેસ જીતશે તો ચોક્કસથી તેમના જે કાર્યકર્તાઓ છે તેમનું મનોબળ પણ મજબૂત થશે તેની સાથે આવનાર બીજી જે કેટલીક વિધાનસભાની ચૂંટણી છે તેના માટે પણ તેમની જે જીતની આશા છે ઉત્સાહ છે અને તેમાં પણ વધારો થશે ચોક્કસથી તો જે પ્રકારે અત્યારે હાલ આંકડા સામે આવી રહ્યા છે મનસ્વીજી અને જે પ્રકારે અત્યારે હાલ આગળ પાછળ થઈ રહ્યા છે સિદ્ધાર્થ મૈયા પહેલા બાદામી સીટ પર પાછળ હતા જે અત્યારે આગળ ચાલી રહ્યા છે ત્યારે સિદ્ધાર્થ મૈયાના પુત્રની જો વાત કરીએ તો વરુણા બેઠક પર સિદ્ધાર્થ મૈયાનો પુત્ર શરૂઆતી રૂઝાનથી જ આગળ ચાલી રહ્યો છે તો ઘણી જગ્યાએ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીને કોંગ્રેસ અને જેડીએસ વચ્ચેની જે કાંટાની ટક્કર છે તે ચોક્કસથી ઘણી જગ્યાએ ચિત્ર ક્લિયર થતું હોય તેવું લાગી રહ્યું છે ધીરે ધીરે સમયની સાથે તો તે અંગે શું કહેશો હમે બસ 12-1 બજે તક થોડા વેટ કરના ચાહીએ હમારે સામને બિલકુલ ક્લિયરિટી આ જાયગી કિસકી સરકાર બન રહી હે અભી કે રુઝાન તો નેક ટુ નેક ફાઇટ બતા રહે ઓર મેરે હિસાબ સે એકદમ સે કોઈ આને વાલે 2-3 ઘંટો મે કોઈ એસા વોટ શેર ચેન્જ નહીં હો સકતા જિસમે નેક ટુ નેક ફાઇટ હમે નહીં દિખેગી એક ચીજ તો ક્લિયર હે નેક ટુ નેક ફાઇટ હે જો ભી પાર્ટી જીતેગી વો 5-10 સીટો સે હી જીતેગી જ્યાદા અંતર નહીં હોને વાલા ઓર ઇસ સ્પષ્ટતા કે સાથ એ ભી સમજ આતા હે કે યહાં પે ગઠબંધન होना भी अनिवार्य हो गया है गठबंधन के बिना किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली तो जो अभी का रुझान हम देख रहे हैं आने वाले समय में भी कुछ इतना ज्यादा बदलने नहीं वाला है जी જી તો મનસ્વીજી જે પ્રકારે આપણે શરૂઆતમાં જ વાત કરી કે ભૂતકાળ પર જો નજર નાખવામાં આવે તો કર્ણાટકના ભૂતકાળના જે સત્તા હોય કે કોંગ્રેસ જે પ્રકારે ઘણા સમયથી કર્ણાટકમાં સત્તા પર બિરાજમાન હતી રાજ કરતી હતી તો શું લાગી રહ્યું છે આપની દ્રષ્ટિએ કે આ વખતે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સ્ટાર પ્રચારકો છે કે જેમણે જંગી સભા સંબોધી હોય યોગીજી હોય મોદીજી હોય કે પછી અમિત શાહ હોય દરેક ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે સ્ટાર પ્રચારકો હતા તેમણે એડી ચોટીનું જોર લગાવ્યું છે આ વખતે કર્ણાટકમાં પોતાની સત્તા બનાવવા માટે તો શું લાગી રહ્યું છે આપની દ્રષ્ટિએ કે આ જે મહેનત છે તે ભારતીય જનતા પાર્ટીને તે રંગ લાવશે ખરી ભારતીય જનતા પાર્ટી હર ઇલેક્શન મેં બહોત મહેનત કરતી હૈ ઉનકી મહેનત કા તો કોઈ સવાલ હૈ હી નહીં ઓર વો યે ઉનકી મહેનત હી હૈ જહાં પે ઉનકો જો ઉનકા વોટ શેર હૈ બહોત જ્યાદા બઢ ચુકા હૈ ઉનકી સીટે 50% સે જ્યાદા પિછલે ઇલેક્શન સે બઢ ચુકી હૈ તો યે જો રુઝાન હૈ વો યહી બતા રહા હૈ ઉનકી મહેનત કા હી નતીજા હૈ જહાં પે પૂરી ફોર્સ સે ઉનકે સેન્ટ્રલ મિનિસ્ટર્સ ઉનકે સ્ટેટ ચીફ મિનિસ્ટર્સ ઉનકે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર ઉનકા નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ સારે બડે બડે ઉનકે દિગ્ગજ નેતા એક સાથ આ જાતે હૈ મેદાન મેં લડને કે લીએ કોઈ ભી ઇલેક્શન તો વો ઉનકા ઉનકા સેટઅપ બતાતા હૈ ઉનકી ઇલેક્શન લડને કી વિલ દિખાતી હૈ તો યે સબ જો ચીઝે જબ દિખાતી હૈ લોગ ઉનસે પ્રભાવિત હોતે હૈ ઝુંડ ઇકઠ્ઠા હોતા હૈ વોટ કી તરફ બઢતા હૈ ઓર કિસી ના કિસી તરીકે સે અગર હમ યે દેખેં બીજેપી કે લીએ જીતી હૈ વો સરકાર બનાતે હૈ કે નહીં બનાતે અભી કા રુઝાન જો બતાતા હૈ જિસમે વો ઓલરેડી કોંગ્રેસ સે આગે યે એક બીજેપી કી જીત હૈ હી અબ યે મેજોરિટી મેં કરતે હૈ જેડીએસ કે સાથ કરતે હૈ યા નહીં ભી સરકાર બના 10% कमीशन वाली सरकार थी सुपारी के चाहे उत्पादक हो चाहे नारियल के उत्पादक हो चाहे काफ़ी के उत्पादक है किसान 3,500 किसानों ने आत्महत्या की और भारतीय जनता पार्टी एक गुड गवर्नेंस के एजेंडा लेकर गई माननीय प्रधानमंत्री जी की वहां पे सभाएं हुई और केंद्र सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत जो योजनाएँ चल रही गाँव गरीब किसान कल्याण की योजनाएँ आज जनता उसे प्रसन्न है कर्नाटक की भी जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बने और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी धन्यवाद थैंक यू જી તો મનસ્વીજી આપને પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રકારે ચૂંટણી પહેલાં પણ જ્યારે પ્રચાર કરવામાં આવતો હતો અને કર્ણાટકમાં બંને રાજકીય મહારથીઓ સીએમ સિદ્ધાર્થ મૈયા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતા જે છે યેદુરપ્પા બંને માટે આ છેલ્લી ચૂંટણી ગણાઈ રહી છે કારણ કે સીએમ પહેલાં જ તેમણે જાહેરાત કરી હતી કે હવે તેઓ ફરી વખત ચૂંટણી નહીં લડે તો તેમના માટે આ ચૂંટણી કેટલી મહત્વની ગણી શકાય મેને જૈસે શરૂઆતમાં કહા થા અગર વો અપની સીટ હાર જાતે હૈ યા સરકાર નહીં ભી બના પાતે તો ભી ઉનકા એક પોલિટિકલ કરિયર કા યે કહીં ના કહીં અગર હમ દેખે કે એક એન્ડ હો જાતા હૈ ક્યોંકિ સિદ્ધાર્થ મૈયા એક વહાં કે સ્ટાર પોલિટિશિયન હૈ કર્ણાટકા કે જો જિનકા એક લાઇફ સ્ટાઇલ જિનસે લોગ પ્રભાવિત હોતે હૈ જિનકે જો એક ફેસ બનકે ઉભર કે આયે જિસકે ઉપર પૂરી કોંગ્રેસ પાર્ટી ડિપેન્ડ કરતી થી ઓર કોંગ્રેસ કા ભી સબસે બડા રાજ્ય એક હી જગહ થા વો કર્ણાટકા થા જો 2018 મેં રહ ગયા થા તો ઉસકે સબસે બડે નેતા સિદ્ધાર્થ મૈયા સાબિત હોતે થે ઓર કહીં
कहीं ना कहीं अगर वो सीट वो हार जाते हैं या वो सरकार नहीं बना पाते कर्नाटका में, तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी में, उनकी लीडरशिप कर्नाटका में कहीं ना कहीं एक वीक हो जाएगी. लोग उनसे वो लीडरशिप जो एक्सेप्ट करते हैं वो कहीं एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आने वाला है. जी जी, तो चौक्स जी प्रकार आपे बात कही कि कांग्रेस ना कार्यकर्ताओं माटे पण मनोबल दृढ़ करवा माटे आ चूंटणी में जीत मेळवी खूब ज महत्वपूर्ण है. जो बात करिए कर्नाटक नी, तो कर्नाटक नी विधानसभा नी चूंटणी ना परिणामों बाद 2019 नी चूंटणी पहला राजस्थान नी वात करिए, मध्य प्रदेश नी वात करिए के छत्तीसगढ़ आ वखते त्रण जगह विधानसभा नी चूंटणी थवानी छे, तो त्रणे त्रण जगह नी विधानसभा नी चूंटणी पर आ परिणाम नी शुं असर पड़शे आपनी दृष्टिए? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा अगर असर अगर कांग्रेस जीतती थी तो असर पड़ता कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का मनोबल है वो आगे बढ़ जाता, उनके कार्यकर्ताओं की काम करने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि एक स्टेट अगर हम जीत सकते हैं तो दूसरे भी जीत सकते हैं, और वहाँ पे कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है. और अगर नहीं जीत पाते तो उनका मनोबल वीक होने वाला है, और वही जो मनोबल वीक होगा वो स्ट्रेंथ मिलती है बीजेपी को, और बीजेपी ऑलरेडी काफ़ी मोमेंटम से आगे बढ़ती जा रही है, हर स्टेट इलेक्शन को बहुत बेखूबी जीतती जा रही है. तो वहाँ पर कुछ भी बीजेपी के लिए कुछ ऐसा वीक स्पॉट नहीं है, उनके लिए एक ही वीक स्पॉट होता अगर कांग्रेस तैयार हो जाती. कांग्रेस तैयार नहीं है तो बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया है, आने वाले 3 इलेक्शन भी बीजेपी को ऑलरेडी प्लेट में मिलने वाले हैं अगर वो यहाँ पे जीत रहे हैं, जो रुझान के हिसाब से बताया भी जा रहा है कि जीत रहे हैं. जी जी, तो चौक्स जे प्रकार आंकड़ाओ सामे आवी रह्या छे, प्राथमिक तबक्के लागी रह्यो छे भारतीय जनता पार्टी आगळ होय तेवुं देखाई रह्यो छे. मतगणतरी माटेनी प्रक्रिया सवारे 8 वाग्याथी शરૂઆત કરી દેવામાં આવી છે, શરૂઆતી રુઝાન સામે આવી રહ્યા છે, અને શરૂઆતી રુઝાનમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી આગળ જોવા મળી રહી છે. તો પરિણામોની પડે પડની ખબર અમે આપ સુધી પહોંચાડતા રહીશું સમય બ્રેકનો.